टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उस समय रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है, तो कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखने चाहिए। भारत में बटन मशरूम उगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च के बीच का महीना है। इन 6 महीनों में मशरूम की 2 फसलें उगाई जाती हैं। बटन मशरूम की फसल के लिए शुरुआत में 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत पड़ती है। इस तापमान पर मशरूम का फंगस तेजी से बढ़ता है। बाद में इसके लिए 14 से 18 डिग्री ताप ही उपयुक्त रहता है। बटन मशरूम की खेती एक विशेष विधि से तैयार की गई कंपोस्ट खाद पर की जाती है। कंपोस्ट 2 विधियों में, एक साधारण विधि, दूसरी स्टरलाइजेशन मेथड यानी निर्जीवीकरण विधि से की जाती है। साधारण विधि से कंपोस्ट बनाने में 20 से 25 दिन का समय लगता है। स्टरलाइजेशन मेथड से कंपोस्ट खाद 2 चरणों में लगभग 14 से 15 दिनों में तैयार की जाती है। इसके लिए धान या गेहूं का 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई में कटा हुआ भूसा, अमोनिया सल्फेट, यूरिया, जिप्सम और मेलाथियॉन की जरूरत पड़ती है। पहला चरण हो जो होता है वो कंपोस्टिंग का, जिसे कंपोस्ट तैयार करना। इसके लिए गेहूं का भूसा या चावल का भूसा, मुख्यतः गेहूं का भूसा ही इस्तेमाल किया जाता है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद मशरूम की खेती 2 विधियों में, पहला लकड़ी की पेटी या रैकों में, दूसरा पॉलिथीन बैग में। रैक में स्पॉन मिले हुए कंपोस्ट को 6 से 8 इंच मोटी परत या तय बिछाया जाता है। दूसरी विधि में पॉलिथीन की थैलियों में मशरूम की स्पॉनिंग की जाती है, जिसमें एक तय कंपोस्ट की और उसके ऊपर मशरूम के बीज, फिर एक तय कंपोस्ट की और उसके ऊपर बीज। इस तरह एक पॉलिथीन में लगभग 9 किलो कंपोस्ट और 200 से 250 ग्राम स्पॉन की जरूरत पड़ती है। जब कंपोस्ट आपने ट्रे में बिछा लिया तो 3 से 4 इंच की मोटाई के बाद आप उस पे स्पॉन जो होता है मशरूम के बीज, उसका छिड़काव कर देते हैं और एक उचित दूरी बनाते हुए, और फिर उसके पर दो से तीन सेंटीमीटर की फिर ऊपर लेयरिंग करते हैं इस तरीके से। और या 2-3 लेयर में भी किया जा सकता है, जैसे हर 3 से 4 इंच के कंपोस्ट बिछाने के बाद उस पे आप मशरूम के स्पॉन छिड़क देते हैं। मशरूम के स्पॉन आपस में अक्सर जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो इनको हाथों से रगड़ करके अलग अलग किया जा सकता है उसको छिड़कने से पहले। और इस तरीके से जब आप एक कंपोस्ट के लेयर के छिड़कने के बाद दूसरा कंपोस्ट का लेयर, फिर 3 से 4 इंच का कंपोस्ट का लेयर बनाते हैं फिर उसके ऊपर, और इस तरीके से करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है 15 से 20 दिन के लिए। स्पॉनिंग के बाद थैलियों को मशरूम उत्पादन वाले कमरे में रख देते हैं और इन पर पुराने अखबार बिछाकर पानी में भिगो देते हैं। कमरे में पर्याप्त नमी बनाने के लिए कमरे की फर्श और दीवारों पर भी पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगले 15 से 20 दिनों में मशरूम का कवक जाल पूरी तरह से कंपोस्ट में फैल जाएगा। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन का समय लेता है और मशरूम 15 से 20 दिन के बाद उगना उसमें शुरू हो जाता है। गोबर की सड़ी हुई खाद और बाग की मिट्टी की बराबर मात्रा छानकर अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण का 5% फॉर्मलिन या भाप से स्टरलाइज कर लें। इस मिट्टी को परत चढ़ाने के लिए प्रयोग करें। कंपोस्ट में जब कवक जाल पूरी तरह फैल जाए तो इसके ऊपर तैयार की गई मिट्टी की 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दें। उसके बाद उसमें केसिंग की प्रक्रिया आती है। केसिंग में जैसे कि बागीचे की मिट्टी है, इसको भी आप उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले उसका निर्जीवीकरण जरूरी है। उसमें आप फॉर्मलिन मिला करके जब उसका पॉस्चराइजेशन कर देते हैं तो उसको उसके ऊपर बिछा देते हैं। केसिंग से पहले का तापमान 22 से 26 डिग्री का होना चाहिए कमरे का, और किसी भी प्रकार की रोशनी या हवा नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब आप एक बार केसिंग कर लेते हैं उसके बाद कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोले जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हवा और रोशनी की जरूरत होती है। मशरूम की स्पॉनिंग के लिए 35 से 40 दिन बाद या मिट्टी चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद कंपोस्ट के ऊपर सफेद रंग के छोटे मशरूम दिखाई देने लगते हैं, जो अगले 4 से 5 दिनों में बटन तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह हाथ की उंगलियों से मशरूम को हल्का दबाकर या घुमाकर तोड़ लेते हैं।
कंपोस्ट की सतह से मशरूम को चाकू से काट कर भी निकाला जा सकता है। एक बार लगाई गई मशरूम से लगभग 4 से 5 बार तुड़ाई की जा सकती है, जिससे लगभग 8 से 9 किलो मशरूम प्रति वर्ग मीटर मिल जाता है। मतलब 100 किलोग्राम कंपोस्ट से लगभग 12 किलो मशरूम आसानी से मिल जाता है, जिसे बाजार में 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। कृषि दर्पण, जी मीडिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, एक और अहम रिपोर्ट के साथ जल्द लौटेंगे। आप बस देखते रहिए कृषि दर्पण।